मैं हूं अल्ताफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फोर। न्यूज इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। विदिशा जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। आज विदिशा जिले में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसमें बांसुदा में 7, विदिशा में 6 एवं सिरोंज में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं विदिशा जिले के वरिष्ठ अधिकारी सतर्क दिखे, जिसमें विदिशा कलेक्टर श्री उमा शंकर भार्गव एवं SP श्रीमती मोनिका शुक्ला द्वारा बाजार का दौरा कर सभी नागरिकों को समझाइश दी गई कि कोरोना से दूरी, कृपया मास्क इसलिए न पहने कि आपका चालान हो रहा है या आपको शर्मिंदगी हो रही है। ये मास्क आपको कोरोना रूपी बीमारी से बचाने का एकमात्र उपाय है। मास्क, लगातार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग। यदि आप अभी से मास्क पहनेंगे, दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने देंगे, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। भविष्य में यदि किसी प्रकार का लॉकडाउन होता है तो उसके लिए हम ही दोषी माने जाएंगे। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि मास्क पहने और कल से प्रशासन और पुलिस का संयुक्त रूप से चालानी कार्रवाई चलेगी। जो मास्क नहीं पहनेंगे उनके चालान काटे जाएंगे। और हो सकता है किसी दुकान में यदि कर्मचारी और ग्राहक मास्क नहीं पहने हो तो वो दुकान बंद भी की जा सकती है। तो कृपया मास्क पहनकर प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। इंडिया 4 चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।